वेलकम माई वेरी प्रीशियस एरीज, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। तो आज हम आपकी वीकली रीडिंग कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। ओके, और ये जनरल रीडिंग है तो शायद आप रेजोनेट करें, पर हो सकता है कि आप रेजोनेट ना भी करें। ठीक है, ऑल्सो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है कि जब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन की बात हो, या फिर आपके पर्सन के बारे में बात करूँ तो आपके बारे में हो। ठीक है, और क्या, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो देखते हैं इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट ओरेकल मैसेज क्या हैं आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता रहने वाला है आपके लिए एरीज़, क्योंकि अभी का जो फुल मून है वो एरीज़ में ही हुआ है, आपके साइन में हुआ है, और उसके साथ में ही फुल मून मतलब एंडिंग्स होता है, और उसके बाद यहाँ पे आया है बिगनिंग अ न्यू साइकिल, मतलब कुछ इस हफ्ते कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, अब देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं और क्या गाइडेंस है। अभी तो हमें इतना समझ में आ गया है कि कुछ नया शुरू हो रहा है, और ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आया है आपके लिए, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, मतलब मेडिटेशन आप जितना करेंगे उतना आपको आपकी लाइफ में हेल्प मिलेगी। वी हैव द एम्परर, वाओ, एरीज ही आपकी एनर्जी आई है फिर से निकल के। द एम्परर जो कार्ड है उसमें एरीज की एनर्जी होती है, और यहाँ पे आप अपने पावर में स्टैंड करते हुए इस हफ्ते दिख रहे हैं। फॉर श्योर कुछ नया शुरू हो रहा है, और आप बहुत ही इंथुजियास्टिक हो के वो चीज़ नई शुरू करने वाले हैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। वी ऑल्सो हैव थ्री ऑफ कप्स, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है और रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, अपने दोस्तों से मिलने का, पार्टी करने का कार्ड है। तो कुछ नया भी शुरू होगा और बहुत ही फन भी ये वीक रहने वाला है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। ओके, वी ऑल्सो हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आपकी एनर्जी फील्ड में कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं कुछ नया शुरू करने के लिए एरीज। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए इस हफ्ते। वी ऑल्सो हैव द हर्मिट, ये टाइम, ये हफ्ता ऑल्सो कुछ ऐसे मौके आएंगे कि आप मेडिटेशन करें और रिफ्लेक्ट करें खुद की लाइफ को कि आप लाइफ में किस तरफ जा रहे हैं। थोड़े से ऐसे पल आएंगे जब आप अकेले रहना प्रेफर करेंगे, या फिर डिवाइन आपको एक चांस देंगे कि आप अकेले रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाएं, जिससे कि जो भी कुछ आप नया शुरू करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, क्रिएट करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो थोड़ा सा अगर आपको मौका मिलता है तो इस महीने बहुत ही, इस हफ्ते बहुत ही ज़रूरी है कि थोड़ा वक्त अकेले में गुजारें एरीज। ठीक है, वी ऑल्सो हैव जजमेंट, यहाँ पे किसी चीज़ में इस हफ्ते सेकेंड चांस मिलता दिख रहा है, हालांकि अभी हम आपकी जनरल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी है, और यहाँ पे जजमेंट से ये भी वाइब आ रही है कि सेकेंड चांस किसी चीज़ में मिलने वाला है। तो हो सकता है जो दोस्ती है जो बहुत समय से ख़त्म हो गई है, वो दोस्त वापस आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर आना चाहता हो, या फिर कोई एक रिलेशन ख़त्म हो गया हो तो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हो, तो यहाँ पे सेकेंड चांस मिलते हुए दिख रहा है। कुछ लोग जो बहुत टाइम से कॉन्टैक्ट में नहीं थे, इस हफ्ते आपके कॉन्टैक्ट में वापस आना चाहेंगे। वी ऑल्सो हैव द सन कार्ड, वाओ, सो सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, और इस हफ्ते सन कार्ड आया है, सेलिब्रेशन आया है, एम्परर आया है, व्हाट टू से, ये हफ्ता बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है एरीज। ओके, वी ऑल्सो हैव द मैजिशियन, जैसे मैंने कहा था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैजिशियन का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं एरीज इस हफ्ते। ओके, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, वाओ, तो यहाँ पे कुछ पैसा या कुछ प्रॉपर्टी गेन करते हुए इस हफ्ते आप एरीज दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने का बहुत समय से सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ ऐसे योग बन जाए इस हफ्ते कि आप प्रॉपर्टी खरीद पाएँ, या फिर हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में आने लगे, या फिर हो सकता है कि आप इस हफ्ते डिसाइड कर लें कि अब मुझे कुछ घर खरीदना है तो आई हैव टू स्टार्ट सेविंग, तो वैसे वाले वाइब्रेशंस दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी मैसेज है कि आप इनहेरिट करेंगे मनी या प्रॉपर्टी, मतलब हो सकता है कि
कई लोग ऐसे होंगे कि जिनकी कुछ कोई अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगे या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब अगर छोटे वे में हम इसको देखें तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में आपको कुछ गिफ्ट दे, कुछ पैसे दे, या फिर कोई आपके नाम पे प्रॉपर्टी ले। और अगर बड़े वे में हम देखते हैं तो हो सकता है आपको कुछ अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी या मनी कुछ ऐसा आप इनहेरिट कर लें। तो इस हफ्ते कुछ अच्छा गेन करते हुए आप दिख रहे हैं। वी ऑल्सो हैव बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अमेजिंग दिख रही है एरीज इस हफ्ते, तो यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि बहुत ही ज़्यादा ईगो में या प्राइड में आपको नहीं रहना है। डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें, सबके साथ अच्छे से बात करें, ओके। यहाँ पे कार्ड आया है न्यू जॉब या करियर का, तो जैसे नई शुरुआत की हम शुरू से बात कर रहे हैं तो न्यू जॉब और करियर है, तो शायद इस हफ्ते आप इनिशिएट कर ले, कोई नई जॉब ज्वाइन कर ले या फिर करियर में आपके कुछ नया बिजनेस शुरू करने का की आपकी प्लानिंग हो जाए। ऐसा कुछ दिख रहा है कि करियर में कुछ नया हो रहा है। वी ऑल्सो हैव डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो यहाँ पे आपकी, अगर आप मेल हैं तो कोई मेल फ्रेंड है आपका जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा या फिर आपका बॉन्ड उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और आप बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड शेयर किसी से करेंगे। आप फीमेल हैं तो वो बॉन्ड आपका फीमेल के साथ में होगा, मतलब ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या फिर सेम सेक्स का कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ इस हफ्ते आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, ठीक है। We also have a long journey, either physical or mental will leave you wiser at the end. तो यहाँ पे अगर किसी के साथ आपका कुछ सफ़र चल रहा था physical या mental, मतलब किसी के साथ अगर आपकी बहुत ही पुरानी साइकिल चल रही थी तो हो सकता है वो साइकिल ख़त्म हो और आपको उससे बहुत सारे lessons सीखने को मिले। मतलब कि कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में एरीज जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना रही है, जो चीज़ आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा रही है कि आपको लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, तो वो सब लर्निंग एक प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है। वी ऑल्सो हैव सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग। तो यहाँ पे चीज़ें लाइफ में बैलेंस में आ रही हैं, जो चीज़ें पहले डिफ़िकल्ट लगती थी अब धीरे धीरे करके आपको वो ईजी लगेंगी, चाहे वो आपके करियर में हो या फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है। वी हैव यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो यहाँ पे कार्ड है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं, डिवाइन भी हैं। तो अगर ऐसा कोई मौका आता है जब आपको लगता है कि ये चीज़ अब डिफ़िकल्ट हो रही है, तो याद रखिएगा कि सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, ओके। वी ऑल्सो हैव हेडेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि फुल मून का समय है तो कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा जैसे आप आगे जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एरीज, तो जो पुरानी चीज़ें हैं आप धीरे धीरे उन्हें भुलाएंगे, जो पुराने हार्ट ब्रेक्स हुए हैं आप धीरे धीरे उनसे मूव ऑन करेंगे जिससे कि आप नई चीज़ों की तरफ जा सकें। अब हार्ट ब्रेक सिर्फ मैं रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जैसे पुरानी जॉब आपने स्विच की, पुरानी जॉब में कुछ परेशानियाँ थी, अब नई जॉब आ रही है पर पुरानी जॉब ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, तो धीरे धीरे आप उससे हील करेंगे, धीरे धीरे आप मूव ऑन करेंगे। तो बहुत ही फंटेस्टिक एनर्जीज इस महीने की दिख रही हैं एरीज। अब आपकी हम लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या ओरेकल है लव लाइफ के लिए। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो आपकी लव लाइफ में पहले तो मुझे दिख रहा है कि कुछ सच्चाई है जो आपको समझ में आने वाली है एरीज, मतलब आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। जैसे कि आपको शायद ये समझ में आ जाए कि जो आपका पर्सन है आपको उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, या फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, कहीं उन्होंने आपसे कुछ छुपाया तो नहीं है। तो वो सारी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी इस हफ्ते समझ में आने वाली है, ओके। तो यहाँ पे कार्ड है देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। तो जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है उन चीज़ों के बहुत ही डीपर मीनिंग से एरीज, किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रहा है जो आपकी लव लाइफ में हो रहा है। डिवाइन
प्लान के हिसाब से चल रहा है जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन नहीं होना है। आप किसी भी लेवल पे अभी हैं अपनी लव लाइफ में, बट आपको डिसहार्टन नहीं होना है। यहाँ पे टर्न ऑन योर लव लाइट, मतलब अपना हार्ट चक्र हर किसी के लिए ओपन रहे रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। नई एनर्जीज़ हैं, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। अभी ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई कि नया पर्सन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई, बट कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं। मतलब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बस आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गार्डेड नहीं होना है, ओपन टू लव, मतलब जहाँ से भी आ रहा है प्यार, वहाँ से प्यार लेना है, चाहे वो फ्रेंड से आ रहा हो या फैमिली से आ रहा हो, है ना। ब्लॉक्ड नहीं रहना है। अब उन लोगों के लिए कार्ड निकालते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं। पहले देखते हैं उन लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स दो बार आया। ये पर्सन आपकी जनरल लाइफ में भी आया था और ये पर्सन अभी भी आया है। मतलब कोई पर्सन है जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ओके, ओके, जो लोग भी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, पहले तो यहाँ पे हमें किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। मतलब जो आपके पर्सन हैं एरीज, वो आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। मतलब ये अभी ज़्यादा काम दिमाग से कर रहे हैं, दिल से कम सोच रहे हैं, और ये थोड़े से ना पर्सन हैं जो जो आपके लिए फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रोमांटिक पर्सन जो मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। ओके, जितने भी लोग कमिटेड हैं हम उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं अभी। तो ये पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है आपसे, और इसके कारण थोड़ी सी डिफ़िकल्टी या कम्युनिकेशन गैप इस हफ्ते दिख रहा है। मतलब आप जो बोलना चाहते हैं शायद आप खुल के ना बता पाए, वो जो बोलते हैं बोलना चाहते हैं वो खुल के ना बताएं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि सारे आंसर्स इस हफ्ते आप ढूंढने की कोशिश मत करिए। अगर आप अपने कमिटमेंट या अपने रिलेशनशिप या अपने मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे आपके अंदर सवाल उठ रहे हैं, तो अभी सब कुछ जानने की कोशिश मत करिए। विथ टाइम आपको आंसर्स मिलेंगे। शायद इसीलिए यहाँ पे कार्ड था, देयर इज़ अ रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। बट यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात द हाई प्रीस्टेस हमें बता रही है वो ये बता रही है कि बहुत ज़रूरी है एरीज़ के आप अपने इंट्यूशन से काम ले अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है। मुझे फिर से ऐसी फीलिंग आ रही, हिडन नॉट एज इन के कुछ कुछ गलत हो रहा है या थर्ड पार्टी हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बट आपके जो पर्सन है वो सारी बातें आपसे करते नहीं हैं, तो उस कारण बस एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप लग रहा है मुझे। यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप अपने इस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा खुश अभी नहीं दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पता है आप क्या कर रहे हैं, मुझे क्या एनर्जी समझ में आ रही है, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं जितना आप कभी कभी उनको बना लेते हैं। मतलब एक छोटा सा झगड़ा हुआ पर आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया, और आपने दिमाग में ही उस चीज़ को बहुत बड़ा बना लिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतनी है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दिमाग में आप वो सारे ख्याली पुलाव पका लो कि ये पर्सन मेरे बारे में सही नहीं सोचता, ये मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था। ये सब आपको मन से अपने दिमाग में नहीं बातें बढ़ानी है, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप और जो कमिटमेंट है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ही स्ट्रांग है एरीज, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कम्युनिकेशन गैप आता है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा मत होने दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल है, दिख रहा है कि आप परेशानी फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में फिर से, बट बात उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आप उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे रिलेशनशिप में, पर आपके पर्सन को इतना कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, बट उनको वो वाली फीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही अपोजिट एनर्जीज दिख रही है जो लोग भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए। अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं, ठीक है।
ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है एरीज। ओके, आपके पर्सन आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं बट उन्हें समय लगेगा। ओके, सो सबसे पहले एरीज मुझे ये बताना है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के साथ में, ठीक है। तो अगर आपको इस कनेक्शन पे डाउट है तो डाउट मत रखिए। क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का? हाँ जी, आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपके पर्सन है, मतलब आप समझिए इस बात को कि ये पर्सन आपके पास इस हफ्ते ऑफर लेके आना चाहते हैं, बट क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी होती है, मतलब ये एनर्जी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपके पर्सन के दिमाग में आया कि अब मुझे रिकन्सिलिएशन करना है और वो आपसे बात करने आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो सोचेंगे कि उनको रिकन्सिलिएशन करना है, उसके बाद वो पूरा दिमाग लगाएंगे कि मुझे कब जाना चाहिए, मुझे मुझे क्या चीज़ें अपने पर्सन के पास जाने से पहले सेटल करनी है, क्या सही समय है ऑफ़र लेके जाने के लिए। तो ये उनको इस हफ्ते रियलाइज़ होते हुए दिख रहा है कि ये आपके पास वापस से ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, और ये जो अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अगर इस पर्सन की लाइफ पे कोई थर्ड पर्सन है तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, तो चाहते हैं कि वापस आपके पास आ जाए। यहाँ पे आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप सोच रहे हैं कि मूव ऑन करूँ या फिर मैं मूव ऑन नहीं करूँ। बहुत सारे लोग मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, बट साथ ही साथ एक होप भी दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो वो होप बिल्कुल बिल्कुल सही है, बट आपको इस हफ्ते जो एनर्जी एम्बॉडी करनी है। देखिए, रिकन्सिलिएशन मुझे पहले भी मैंने बोला था कि होते हुए दिख रहा है, अभी भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास ऑफर लेने आना चाहते हैं, बट यहाँ पे ना आपको ज़रूरी है कि आप नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को एम्बॉडी करें। मतलब जब तक वो पर्सन नहीं आ रहा है, जब तक वो अपने मामलों को सुलझा रहा है अपने जीवन के, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, पर मीन वाइल आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एरीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। यहाँ पे आप नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, तो दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके लिए गलत चाहते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइफ में नीचा दिखा सके कुछ लोगों के सामने, या फिर ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ से वापस आना है। जितना आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे उतनी जल्दी रीयूनियन मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस हफ्ते अपने ऊपर ध्यान दें और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दें, अपने हायर वाइब्रेशंस में रहें, और ये चीज़ मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। मैं बस आपको एरीज इतना बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो फॉर श्योर ये आना चाहते हैं, बट हो सकता है कि इनको टाइम लगे आने में, ठीक है। अब जो लोग की लाइफ में कोई क्रश है या फिर न्यू लव है, या जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में देखते हैं कि कब क्या होने वाला है। ओके, बहुत ही सेम एनर्जीज दिखी हैं अभी तक। सबसे पहले तो जो लोग भी सिंगल हैं या किसी पे क्रश कर रहे हैं या फिर सीक कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में प्यार कब आएगा, तो आप एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब ये सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन है, आपको लगता है कि आप स्टक हैं लाइफ में और आपकी लव लाइफ में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, आपकी लव लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। बट यहाँ पे ज़रूरी है हीलिंग की, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स है। तो एरीज क्या हो रहा है ना कि एनर्जीज हैं कुछ जो आपकी लाइफ में आना चाहती, कुछ मैनिफेस्ट होना चाहता है, बट आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। शायद इसीलिए ये कार्ड आया था कि टर्न ऑन योर लव लाइट। मतलब अब आप बोलेंगे कि मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल कि मेरी लाइफ में कोई आ जाए, बट यहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। अभी आपकी हीलिंग नहीं हुई है, आप ट्रिगर हो रहे हैं बार बार अपनी पुरानी लाइफ से। तो अगर आप सिंगल हैं और आप सीख कर रहे हैं कि आपने फाइनली मूव ऑन कर लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरी लाइफ में
कोई नया पर्सन आए, पर फिर भी आपको थोड़ा खुद पे काम करने की ज़रूरत है, अपने हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको जानना है कि आपको हीलिंग कैसे करनी है पुराने अपने एक्स से या रिलेशनशिप से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगी पूरी प्रोसेस कि आपको कैसे करनी है। पर यहाँ पे हीलिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, मतलब ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन को जानते हो, या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, या आपका क्रश हो या कोई पर्सन हो, ये वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है पर्सन। बट सबसे मेन बात ये है कि ये आपका सोलमेट है जो आपकी एनर्जी फील्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जो मैनिफेस्ट अभी तक नहीं हुई है बहुत सारे लोगों के लिए, बट आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ट्रू लव नहीं लिखा है, मेरी लाइफ में सोलमेट नहीं लिखा है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे द मून है, यहाँ पे डिवाइन का साफ साफ कहना है कि अभी आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कितनी अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एरीज़। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, इसी कार्ड को मैंने बोला था कि आपको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं पेनफुल एनर्जीज में, मतलब दिख रहा है कि जो पुराना हार्ट ब्रेक है उससे आपने मूव ऑन नहीं किया, और जब तक पुरानी एनर्जी जाएगी नहीं, जब तक जगह बनेगी नहीं लाइफ में, तब तक नई एनर्जी नहीं आ पाएगी। यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स है, ज़रूरी है कि आप फ्यूचर की अपनी प्लानिंग करें, कैसे एनर्जी लेवल पे, मतलब क्या मैनिफेस्ट आपको करना है, अपने इंटेंशंस को डिवाइन के सामने रखें, मैनिफेस्टेशन आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, और डिवाइन के सामने इंटेंशन रखिए, डिवाइन को बताएं कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, एक एक डिटेल बताएं, या तो एक डायरी मेंटेन करें उसमें लिखें, या फिर विजन बोर्ड बनाएं, या फिर कुछ भी करिए, बस मैनिफेस्टेशन की सारी प्रोसेस आपको करनी है। खुद को हील करना है, डिवाइन को बताना है कि आपको किस तरीके का सोलमेट चाहिए, या फिर डिवाइन को बोलना है कि दिस इज़ द टाइम आई वॉन्ट कि मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में आए, ठीक है। तो वो सब प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपका सोलमेट एग्जिस्ट तो करता है बट आपको अभी पता नहीं है। Okay, so that's all for this week, Aries. I'll see you next time. Bye.